नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवाणी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, अक्सर जब कोई आदमी बहुत मेहनत कर रहा होता है तो हम अक्सर देखते हैं, लोग उसके ऊपर कटाक्ष करते हैं कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। उन्होंने भगवान कृष्ण के दिए हुए मैसेज को ही पूरी तरह से पलट दिया है, उसका मतलब ही गलत निकाल दिया है। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी काम करना ही बंद कर देगा। इसका मतलब सिर्फ ये था, भगवान का मतलब ये था कि आपको अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, लेकिन अनैतिक तरीके से धनोपार्जन नहीं करना है। आपको कर्म करना है, ये भगवान ने कहा था। कर्म के बाद फल की इच्छा नहीं करनी है, ये उन्होंने कहा था, क्योंकि फल की इच्छा फल देने का दायित्व उनका है, ये उनकी जिम्मेदारी है। आपको नैतिकत रूप से कर्म करना है, अनैतिक रूप से नहीं करना है। नैतिक कर्म करके आपको जीवन के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी पुरुषार्थों को अचीव करना है, उसको प्राप्त करना है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि क्या लेकर जाओगे का मतलब आप धनोपार्जन ना करें या धन को सदुपयोग ना करें या सही तरीके से अर्जन ना करें। उन्होंने खुद भी द्वारिका राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने भी जीवन में अलग अलग आयामों में अलग तरीके से सफलताएँ प्राप्त की थी। जीवन में सभी आवश्यक ये भी सभी सफलताएँ आवश्यक हैं, और अब उसको अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो क्या लेकर जाओगे, वो समय आने तक के लिए भी तो आपको संसाधनों की आवश्यकता है, और वो सभी संसाधन अर्थ यानी कि धन से ही उपलब्ध हो सकते हैं। अगर आप नैतिक रूप से सही रास्ते पर चलते हुए अगर आप धनोपार्जन नहीं करेंगे तो जीवन के लिए जो आवश्यक संसाधन है उनकी पूर्ति फिर अनैतिक तरीके से करनी पड़ेगी। तो फिर वो नियम कैसे लागू होगा कि क्या लेकर जाओगे? अगर हम आज से ही खाली हाथ बैठ जाएं बिना कुछ कर्म करें तो फिर जो क्या लेकर जाओगे तक का समय है वहाँ तक इंतज़ार कैसे करोगे? जीवन जियोगे कैसे आप? जीवन की दैनिक आवश्यकता है, जिम्मेदारियाँ हैं, वो कैसे पूरी करेंगे? इसका सीधा सा निष्कर्ष ये है कि हमें फोकस्ड होकर एथिकली अपने सारे कर्म करने चाहिए, और ये भरोसे इस भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि क्या लेकर जाओगे, कुछ लेकर नहीं जाओगे, खाली हाथ जाओगे, इसका मतलब खाली हाथ रहे, ये इस तरह से पूरे समाज में अव्यवस्था और अराजकता फैल जाएगी। सीधी सी बात यह है, हमें जब तक यहाँ रहना है हमें जिन संसाधनों की आवश्यकता है उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए नैतिक रूप से समस्त प्रयास करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।